हेलो गाइस, तो आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ध्रुवण घूर्णकता, या जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 2 का टॉपिक है स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा ये जो टॉपिक है आपके बीएससी फाइनल ईयर में भी काम आ जाएंगे, क्योंकि वहां के सिलेबस में भी, बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में भी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड और भी वीडियोज देखने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने से पहले ये थोड़ा सा डायग्राम हमें समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन एंड आगे का नोट्स देखेंगे। तो अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो आप लोगों को डायग्राम बनाना जरूरी है, तो सबसे बहुत इजी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट या साधारण प्रकाश। तो आप लोग इसमें ऑर्डिनरी लाइट में देख रहे हो कि इसका जो वाइब्रेशन है वो चारों दिशाओं में हो रहा है, मतलब जो लाइट होती है, जो प्रकाश होती है, उसमें तरंग का गुण पाया जाता है, मतलब उसमें वेव नेचर पाया जाता है। वेव नेचर होने के कारण उस लाइट में जो है वो वाइब्रेशन होते रहता है, मतलब ये कहें कि उसमें जो है वो दोलन होते रहता है या कंपन होते रहते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन जो है वो एक ही तल में ना होकर बहुत सारे तलों में जो है वो बहुत सारी दिशाओं में जो है वो होते रहता है। तो ये होता है ऑर्डिनरी लाइट, जिसे हम कहते हैं साधारण प्रकाश। तो उसके बाद हम देखते हैं निकोल प्रिज्म, जिसे हम कहते हैं पोलराइजर। तो निकोल प्रिज्म क्या है? जब हम किसी साधारण प्रकाश या ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल प्रिज्म में से होकर के गुजारते हैं, मतलब ये जो हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट है उसे जब हमने निकोल प्रिज्म में से होकर के गुजारा तो हमें प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो प्राप्त हो गया। तो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो लाइट है, ठीक है। तो जब हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल प्रिज्म में से होकर के गुजारते हैं तो हमें प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है, जिसे हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। आपको ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि ऑर्डिनरी लाइट में जो दोलन है, मतलब जो वाइब्रेशन है, वो अनेक तलों में हो रहा है, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट में जो दोलन है वो केवल एक ही तलों में हो रहा है, मतलब सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो इनका वाइब्रेशन है केवल एक ही तल में है, ठीक है। तो मेनली हम निकोल प्रिज्म का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हमें प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। यदि प्रकाश की किरणें निकोल प्रिज्म से होकर गुजरे तो उनकी तरंगों का दोलन केवल एक ही तल में होता है। प्रकाश की ऐसी किरण को समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। बहुत ही इजी है। यदि हम ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल प्रिज्म में से होकर के गुजारते हैं तो उनकी जो तरंगों का जो दोलन होता है केवल एक ही तल में होता है, केवल एक ही तल में होता है। तो इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, या जिसे हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो इसका मेन टॉपिक है कि आखिर ऑप्टिकल एक्टिविटी या ध्रुवण घूर्णकता क्या होता है। तो चलिए एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसे डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी। जब प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऐसे द्रव या ठोस के विलयन में से प्रवाहित किया जाए कि प्रकाश का पोलराइज लाइट रोटेट हो जाए तो इस गुण को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। बहुत इजी है। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो प्राप्त हो गया। तो अब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऐसे यौगिक या ऐसे विलयन या ऐसे सॉल्यूशन में से होकर के गुजारेंगे जो कि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की दिशा ही बदल दे या उसे रोटेट कर दे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, विलयन है, ठीक है। अब हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब इस विलयन से होकर के गुजारते हैं तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसकी दिशा में, उसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा जो है वो चेंजेस आ जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मेन डायरेक्शन इसका ये है, लेकिन जब हम इस यौगिक से होकर के इसे गुजारे तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है थोड़ा सा रोटेट हो गया। ये तो या तो लेफ्ट, मतलब ये या तो राइट ओर रोटेट हो सकता है या तो लेफ्ट की ओर रोटेट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स उसे ही हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देती हूँ। जब प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऐसे द्रव या ठोस के विलयन या सॉल्यूशन में से प्रवाहित किया जाए कि प्रकाश का पोलराइज लाइट, मतलब जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट, वो जो है वो रोटेट हो जाए या उसकी दिशा में जो है वो परिवर्तन आ जाए तो इस गुण को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। वे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे एग्जांपल चीनी, मतलब सुगर, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, टॉटरिक अम्ल, टॉटरिक एसिड, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो कि
ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो मेनली हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसे कहेंगे जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने में हेल्प करे, तो उस प्रकार का जो सब्सटेंस होता है उसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। देन हम देखते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, वे सब्सटेंस जो प्रकाश के तल को राइट साइड या दाईं ओर क्लॉक वाइज रोटेशन कर दे या घुमा दे उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। तो मैंने आप लोगों को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में बताया था। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो रोटेट कर देते हैं, या तो राइट साइड रोटेट करते हैं या तो लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज की बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वे सब्सटेंस जो प्रकाश के तल को राइट साइड घुमा देते हैं, मतलब यहाँ पे देख रहे हो क्लॉकवाइज इसका रोटेशन जो है हो रहा है, तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। देन अगर हम बात करें लेवोरोटेटरी की, वाम ध्रुवन घूर्णक, तो वे सब्सटेंस जो प्रकाश के तल को लेफ्ट साइड या बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दे, घुमा दे, मतलब ये जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट है, उसे जो है वो लेफ्ट साइड रोटेट कर दे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो इस प्रकार का जो विलयन होता है, सब्सटेंस होता है, उसे हम कहते हैं लेवोरोटेटरी। देन हम देखते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, प्लेन पोलराइज लाइट को जितने अंश घुमाता है वह एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है, मतलब मेनली हमारा ये जो है वो मेन है, ठीक है, तो ये जितने एंगल घूमता है प्लेन पोलराइज लाइट वो कहलाता है एंगल ऑफ रोटेशन। अब देखते हैं कि जो रोटेशन होता है वो किन किन फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो नोट्स को, तो इसे आप लोग डिटेल में लिख सकते हो एक एक को, मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ पे समझा देती हूँ रोटेशन को, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका जो रोटेशन है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है यौगिक की प्रकृति या नेचर ऑफ, जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड, ये डिपेंड करता है कि वो यौगिक कौन सा है, वो कंपाउंड कौन सा है जिसमें हम उस लाइट को होकर के गुजारेंगे। अगर उस यौगिक की प्रकृति कुछ अलग है तो उसका रोटेशन जो है वो अलग होगा, डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड कैसा है। सेकेंड, डिपेंड करता है विलयन की सांद्रता के ऊपर भी डिपेंड करता है उसका जो रोटेशन है वो। थर्ड है विलयन की नली की लंबाई, मतलब जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसे जिस नली में, जिस ट्यूब में डाल रहे हैं उस ट्यूब की जो लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है रोटेशन। फोर्थ है विलयन का टेम्परेचर, उसका जो हम सॉल्यूशन जो ले रहे हैं उसका जो है वो तापमान कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है। पांचवा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो उसका तरंग दैर्ध्य है किसी प्रकाश का, उस पर भी डिपेंड करता है रोटेशन, ठीक है। देन गाइज हम देखते हैं विशिष्ट घूर्णन या जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो कई बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ साथ आपको इसकी भी तैयारी करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आखिर स्पेसिफिक रोटेशन आखिर क्या होता है। किसी विलयन की घूर्णन शक्ति, मतलब जो हम कंपाउंड लिए हैं उनका जो पावर ऑफ रोटेशन है उसे ही हम स्पेसिफिक रोटेशन के रूप में या विशिष्ट घूर्णन के रूप में व्यक्त करते हैं। बहुत ही ईजी है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कोष्टक ब्रैकेट में जो है वो अल्फा इक्वल अल्फा अपॉन सी इनटू एल, तो ये जो ब्रैकेट में अल्फा है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। देन जो अल्फा है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन, मतलब अवलोकित ध्रुवन घूर्णन कोण, अवलोकित घूर्णन कोण। सी मतलब होता है विलयन की सांद्रता, मतलब हम जो कंपाउंड लिए हैं उनका जो है वो कॉन्सेंट्रेशन। L मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्यूब, मतलब जिस ट्यूब में हमने उस विलयन को डाला हुआ है उसे ही कहते हैं नली की लंबाई या जिसे कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। तो स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल ये भी होता है अल्फा टी, यहाँ पे जो टी है वो एक टेम्परेचर है, मतलब जो सॉल्यूशन जो विलयन है उसका जो है वो टेम्परेचर हम लोगों ने लिया हुआ है, और ये जो तरंग दैर्ध्य है मतलब वेव लेंथ है वो उस जो लाइट हम लोगों ने लिया हुआ है, जिसे सोडियम लैम्प प्रकाश के सोडियम लैम्प लाइट जो है हम लोगों ने लिया है उसी का ये वेव लेंथ है, जिसे हम डी से भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके इक्वल होता है अल्फा अपॉन सी इंटू एल। तो मेन जो हमें फॉर्मूला प्राप्त करना था वो ये है। तो अब हम फाइनली इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या होता है स्पेसिफिक घूर्णन कोण या स्पेसिफिक रोटेशन का। घूर्णन कोण वह कोण है जो वन यूनिट सांद्रता या आप लिख सकते हो वन यूनिट कॉन्सेंट्रेट एवं वन यूनिट लेंथ वाले विलयन द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये जो डेफिनेशन है आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। स्पेसिफिक रोटेशन वह कोण है जो वन यूनिट सांद्रता या वन यूनिट लंबाई वाले विलयन द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये है इसका डेफिनेशन। आई होप यू गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी वीडियोज के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।